अच्छा कैसे हो बच्चों। हमने कल कौन सा पाठ शुरू किया था? दूसरा, तोता चांद पहुंचे स्कूल। तो बच्चों, आज मैं आपको पाठ का परिचय और हम कहानी का एक पृष्ठ पढ़ेंगे, ठीक है? उससे संबंधित शब्दार्थ और आपके जो भी एरर है, हम उसे आज अपने विस्तार से इसका विचार विमर्श करेंगे, ठीक है बच्चों? शब्दार्थ पढ़ेंगे। बच्चों, कल मैंने आपको कहा था कि अगर छोटे बच्चे होते हैं नए स्कूल में जाने के लिए, उनमें कितनी अच्छी अच्छी फीलिंग होती है। तो आपने भी अपनी फीलिंग लिखी? हाँ, बहुत अच्छा। तो बच्चों, जैसा कि हम अच्छे स्कूल में जाने के लिए, जैसे हम अपनी जो स्कूल है उसमें कठोर अनुशासन हो जाता है और उस भय के कारण हम उस स्कूल को छोड़ देते हैं, उस अनुशासन का पालन करते नहीं है और स्कूल को छोड़ देते हैं और दूसरे स्कूल में चलते रहते हैं। तो बच्चों, इसका मूल कारण क्या है? क्यों छोड़ देते हैं हम स्कूल? कठोर अनुशासन। तो बच्चों, स्कूल का जो सबसे बड़ा हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। तो हमारे प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं हेड मास्टर। अगर हमारे हेड मास्टर का स्वभाव सरल नम्रतापूर्वक होता है, हमें प्यार से समझाता है और हमारी एक्टिविटी भी बड़ी अच्छे से करवाते हैं, तो हमें वो स्कूल बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या आपको भी अपनी स्कूल अच्छी लगती है? हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हेडमास्टर है, उनका स्वभाव बहुत ही नम्रता पूर्वक और एक गाइड के रूप में हमारे स्कूल में है। अगर हमारी कुछ गलतियां हो जाती है तो वो हमें आराम से उसे समझाते हैं, हल करवाते हैं और हमें गलती का एहसास कराते हैं। तो बच्चों, इस तरह से अगर हमारे स्कूल मैनेज में, अगर हमारे स्कूल की व्यवस्था स्वभाव सरल और सुव्यवस्थित होती है, तो हम भी अपने विचार निडर होकर रख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इसी पाठ की शुरुआत एक पेज के द्वारा करेंगे। पहले आप लोग वाचन करोगे, ठीक है? तो बच्चों, अब अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो। बच्चों अब हम पहले पेज में जितने भी कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, पहले हम उनका दोहरान कर लें। भय, भय यानी क्या होता है? डर। भय, डर। मेरे पीछे बोलिए, भय, डर। बहुत अच्छा। फुसफुसाना, धीरे से बोलना। फुसफुसाना, धीरे से बोलना। धीरज, धैर्य। धीरज, धैर्य। बच्चों, आओ पढ़े हम कहानी का पहला पेज। आप सब तैयार हो? हाँ, जल्दी से निकाल। बच्चों, आपने पाठ्य पुस्तक निकाल ली? बहुत अच्छा। चलो, अब हम इसका वाचन करेंगे। तोतो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ा भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी, इतनी अचानक कि माँ उसे टकराते टकराते बची। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतो चांद ने विद्यालय के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतो चांद गंभीरता से फुसफुसाई। बच्चों, भय यानी डर, फुसफुसाना यानी धीरे से बोलना। बहुत अच्छा बच्चों। जिनसे
हम मिलने जा रहे हैं, वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही उन्हें मजाक करना भी आता था। वे झुकी अपना चेहरा तोतो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? मन में भय था कि कहीं तोतो चांद ने विद्यालय के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने माँ धीरज वाली थी, साथ ही उन्हें मजाक करना भी आता था। वे झुकी अपना चेहरा तोतो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तोता चांद ने धीरे से कहा, आपने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे रेलगाड़ी के इन सारे डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर ही हुए ना। जैसा कि बच्चों आपने बहुत अच्छे से कहानी का वाचन किया, तो आपको कुछ समझ में आया इसमें? माँ उसे हेडमास्टर से मिलाने के लिए उससे कहती है स्टेशन मास्टर। अब हेडमास्टर यानी कौन होता है? हम रेलवे स्टेशन में जो टिकट चेक करते हैं उन्हें हेडमास्टर कहते हैं। अब वो देखिए हेडमास्टर तोता चांद किसे समझती है? रेलवे स्टेशन के मास्टर को। जैसा कि बच्चों हमारे घर में जो सबसे हेड होता है वही हमारा हेडमास्टर होता है। स्कूल में स्कूल का प्रिंसिपल हेडमास्टर होता है। उसी तरह हम जहां जहां जाते हैं हमारे ऊपर जो हेड होते हैं वही हेडमास्टर है। अब देखिए तोता चांद जो थी वह नए स्कूल में जाने के लिए नई स्कूल में जाने के लिए कैसे डर रही थी, यानी उसे ये था कि कहीं दूसरी स्कूलों में कठोर अनुशासन होंगी, मुझसे इंटरव्यू लिया जाएगा, लिखित एग्जाम होगी, पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसी डर के मारे वह ऊपर अपने सीढ़ियों के पास जाके बैठ जाती है। फिर उसकी माँ बड़े धीरज से धैर्य से उसे समझाती है कि हम एक हेडमास्टर से मिलने जा रहे हैं, और जो हेडमास्टर वह स्टेशन मास्टर को समझ रही है। फिर भी वह अपनी माँ की बात सुनकर और अपनी माँ के साथ चले जाती है। तो बच्चों अब हम अगली कालांश में देखेंगे क्या तोतो चांद नई स्कूल में जाएगी, वहां पे उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्या वह निडर है? तो ये हम अगली कालांश में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी जो हमने ये पाठ्य पढ़ा है, क्या इससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ? गो बच्चों आज का आपका गृह कार्य है अपने हेडमास्टर के स्वभाव के बारे में कोई तीन वाक्य बनाकर लिखने हैं। किसमें? अपने घर की रफ नोटबुक में। आपको किस तरह से हेडमास्टर का स्वभाव चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? ठीक है बच्चों, जिस तरह हमारे तोता चांद ने हेडमास्टर को उसने मना लिया था, क्या उसका एडमिशन हो गया था, इन सभी की चर्चा हम अगली कालांश में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।